हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। ये गेम होगा सरी वर्सेस मिडिलसेक्स के बीच एट द आइकॉनिक लॉर्ड्स, जहां पे कुछ ही दिन में होगा एक और आइकॉनिक गेम। एंड ये वाला गेम होगा डेडिकेटेड नॉट टू इंडिया, बट ये वाला गेम होगा डेडिकेटेड टू आरसीबी एंड केकेआर। क्यों? जब आप स्क्वाड्स देखोगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप आरसीबी केकेआर फैन हो तो लाइक बटन जरूर हिट करना, अगर आप नहीं हो फिर तो जरूर लाइक बटन हिट करना। एंड निखिल भाई, कैसे हो आप? क्या लगता है आपको लॉर्ड्स पे कितने रन बनेंगे आज? हाँ, वो WTC फाइनल ओवल में है। जस्ट जस्ट हाँ, नो नॉट नो सॉरी, मैं कॉट डर ऑन द गया कि बैक एक फुट देयर, सेकंड। कॉट ऑन द नहीं, बैक कोई फुट। बात नहीं, बट ऑन द राइट नोट, लॉर्ड्स में वैसे भी ओवर हाइप्ड है, तो ठीक है। मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। होपफुली लॉर्ड्स अच्छा खेले, क्योंकि लॉर्ड्स में यूजली आपको ज़्यादा बड़े बड़े स्कोर दिखते नहीं है कभी कभी, तो लेट्स सी। और एक टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सो लेट्स सी इफ द होम टीम कैन स्टेप अप। यस, टुडे यू हैव लॉट ऑफ जीएल ऑप्शंस टू ट्राई, सो लेट्स गेट टू इट स्ट्रेट बिल्कुल अवे। स्टार्ट करेंगे पहले वेन्यू कंडीशंस के साथ। सो द गेम विल बी प्लेड एट लॉर्ड्स लाइक वी मेंशनड, एंड यहाँ पे जनरली हम काफी रन देखते हैं अनलेस एंड अंटिल इट द पिच क्यूरेटर चेंज इज माइंड एंड ही वॉन्ट सम मूवमेंट अप टॉप। बट वील स्टार्ट विद द पिच, वील स्टार्ट विद द ग्राउंड डायमेंशन। सो दिस इज हाउ द ग्राउंड लुक करेंटली फ्रॉम द लास्ट सीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक साइड है 82-81 meters, एंड यहाँ पे जो व्हाट डू यू कॉल स्क्वायर बाउंड्रीज है वो काफी शॉर्ट है। हमने 100 में भी देखा था कि इयन मॉर्गन डिंक मार रहे थे एंड वो सिक्स के लिए जा रही थी, बट वही चीज जो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बाउंड्रीज है वो काफी लंबे है। सो इट्स अ ट्रिकी सॉर्ट ऑफ पिच स्पेशली फॉर स्पिनर्स टू बोल, बट अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस हो तो फिर देन नथिंग लाइक इट, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू यूज दैट स्क्वायर पार्ट। क्योंकि हम वैसे जब ग्राउंड देखते हैं तो सर्कल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग डायमेंशन है, तो वही हिसाब से स्क्वायर बाउंड्री तो काफी शॉर्ट। सो मे बी लॉट ऑफ सिक्सेस। वी रिमेम्बर हाउ पोलार्ड एंड मॉर्गन हैव डिंक्ड सिक्सेस हियर। बिल्कुल। और जैसे विलियन मैंने बोला, आपका रन बनते हैं, बट अब रन बनते इन द रेंज ऑफ 170 to 180 मोस्टली, उससे कम भी बनते बहुत दफ़ा। पर लॉर्ड जैसा वेन्यू है जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों देखना पड़ता है कभी कभी, तो शुरू में आपको थोड़ी मूवमेंट मिल जाती है, तो इट चेंजेस द गेम कम्प्लीटली। और जैसे आई स्पीक लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, पर जो हैम्पशायर के साथ हुआ, इट कैन इजिली हैपन विद मिडिलसेक्स, विद फ्रॉम मिडिलसेक्स ऑल्सो टू सरे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फेज होता है आधा घंटा जहाँ पे इतना बॉल घूमता है कि भाई टीम कुड लूज 3-4 एंड द गेम कुड बी डन। बट द ओनली एडवांटेज दैट सरे हैव इज बैटिंग डेप्थ बहुत है। दे आर अ प्रॉपर इंटेंट मर्चेंट टीम। अगर आपको आप स्क्वाड देखेंगे हम तो आपको दिखेगा। दिस इज नॉट अ स्क्वाड, इट्स अ चीट शीट, बिकॉज इट्स लाइक हाँ मतलब आप ये टीम, ये ऐसी टीम है कि आप एक एक जो प्लेयर है इनका आप बोलोगे कि हर स्क्वाड में एक एक बांट लो तो भी ये टीम स्ट्रांग रहेगी। सो स्टार्ट या करेंगे सीधा कैप्टन से, सैम करिन। जो मतलब मैं मेरा T20 ब्लास्ट का रिचुअल है कि जब मैं पहला पहला गेम करता हूँ तो मैं हर प्लेयर का नाम लेके उसके बारे में जो भी थोड़ी इन्फो बताता हूँ, बट यहाँ मैं वो बताऊंगा तो शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि ये सारे के सारे नोन नाम ही है। तो नाम ही ले लेंगे, सैम करिन, शॉन एबिट, गस एटकिंसन जो पेस बॉलर है अच्छा डालते हैं, जॉर्डन क्लार्क जो कभी कभार पेस डालते हैं एंड बिग हिटर है, लॉरी एवेंस जो खेल चुके हैं पहले ससेक्स के लिए एंड बिग हिटर हैं एंड स्क्वायर काफी खेलते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर टू वॉच आउट। विल जैक्स आप सब जानते ही हो एंड हेंस डेडिकेटेड टू आरसीबी। टॉम लॉज जो इनका खेलना मुश्किल है यहाँ पे, डैन मोरियाट्री लेफ्ट आर्म स्पिनर वेरी यूजफुल इन दिस कंडीशन, सुनील नारायण, जेमी ओवरटेन जो यहाँ पे तो एक्चुअली लास्ट कुछ सीजन से बॉलिंग भी नहीं कर रहे, इज प्लेइंग एज क्या स्पेशलिस्ट बात। लाइक बिग हिटर डाउन द ग्राउंड, हाँ कभी कभार एक दो ओवर डाल देते हैं बट मतलब कैन नॉट बी अंडरमाइंड इन ईदर डिपार्टमेंट। जेसन रॉय अगेन केकेआर, जेमी स्मिथ जो यहाँ पे विकेट कीपिंग भी करते हैं, डिपेंड्स अब वो कौन से प्लेयर को खिलाएंगे, बिकॉज इवन लॉरी एवंस कीप्स एट टाइम्स। कैम स्टील जो आर एन डारम से अच्छे खासे टैलेंटेड प्लेयर हैं, कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं टॉप ऑर्डर बैटर, बट अगेन खेलना मुश्किल। टॉम करेन अगेन यहाँ पे बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। डैन वॉरेल अगर आपको साइन चाहिए कि क्या पिच में मूवमेंट होगी, अगर डैन वॉरेल खेलेंगे तो आप वो साइन ले सकते हो, क्योंकि जैसे ही ऊपर क्लाउडसन बोल रहा हूँ, जैसे क्लाउड्स आ जाएंगे वहां पे डैन वॉरेल आ जाएंगे इन टू प्ले। दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू आर सो एक्टिव ऑन ट्विटर, आप ये चीजें हमारे मन में नहीं चलती बट इतना पढ़ लेते हैं तो क्या बोले। समझदार इशारा काफी है।
ज्यादा कुछ बोल के मतलब नहीं है। पर यस जैसे एब्सोल्युटली। जैसे हमने बात करी, आप देखो स्क्वाड इतना स्ट्रांग है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत विकल्प है, तो अपना ये देखना विजुलाइजेशन में कि हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बोल दोस ओवर्स एंड वेयर एंड हु इज मोर लाइकली टू बोल वेयर, तो उसके हिसाब से देन यू विल हैव टू मेक योर एडजस्टमेंट्स, क्योंकि जो सामने की टीम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और हिस्ट्री भी इतना नहीं रहा है मिडिलसेक्स का। दे हैड सम ग्रेट सीजन्स, सम ओके वन, बट सम अदर टाइम्स दे हैव जस्ट फ्लैटर्ड टू डिसीव। तो नाम बड़े नहीं हो, बट होपफुली अ फ्यू परफॉर्मेंस कैन कम थ्रू, तो थोड़ा ज़्यादा देखने में मजा आएगा। यस नाम बड़े दर्शन देखेंगे कैसे होंगे इस साल। अब चलते हैं मिडिल सेक्स की तरफ। यहाँ पे नाम थोड़े छोटे हैं बट ये काफी टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स हैं। स्टीवन एस्केनाजी जो टॉप में अगर सेटल हो जाते हैं पहले 10 बॉल तो यहाँ यहाँ ये ग्राउंड पे तो खेलना बहुत पसंद है उन्हें। मार्टिन एंडरसन जो स्पिन भी डालते हैं, नहीं मार्टिन एंडरसन लास्ट ईयर सर वॉज मीडियम पेस। हाँ नहीं, ये अभी एकदम आउट ऑफ सिलेबस तुमने सरप्राइज लास्ट बाउंसर ईयर पे डाल मार्टिन दिया। एंडरसन तो बैटिंग तो करते ही इन द टॉप ऑर्डर। आई एम नॉट श्योर ऑन हिज बोलिंग टाइप क्योंकि मैं इनको 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने 1 साल स्पिन डाली थी, 2 साल पेस, तो नॉट श्योर अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रैकनेल जो काफी टेक्निकली टाइट प्लेयर है, कीपिंग भी कर लेते हैं कभी कभार, बट इन दिस स्क्वाड जो जॉन सिम्पसन इज द लाइकली वन टू कीप। ही इज जो क्रैकनेल प्ले इन द टॉप 3 और 4 एंड काफी अच्छे प्लेयर है। ब्लेक कालिन, जैक डेविस दो खेलना अनलाइकली, ब्लेक कालिन में भी खेल सकते हैं, अपफ्रंट इन्हें मूवमेंट मिलती है कभी कभार। नेथन फर्नांडेज, टॉम हेल्म जो इनके लिए डेथ में डालते हैं, रायन हिगिंस ऑलराउंडर है एंड काफी बिग हिटर भी है। मैक्स होल्डन 50-50 ऑन वेदर ही विल प्ले ऑर नॉट क्योंकि पीटर मलान है इनके पास जो वापस वही स्लॉट में खेलना उनका लाइकली है। लूक हॉलमैन जो काफी अच्छे स्पिनर भी हैं एंड डाउन द ऑर्डर आके थोड़ी आपको हिट्स भी दे सकते हैं तो खेलेंगे। अगर एज फिफ्थ बॉलर तो जरूर पिक करूंगा, सिक्स्थ या सेवन्थ बॉलर खेलेंगे तो तकलीफ होगी। जॉन सिम्पसन जो इनके मेन कीपर हैं, टॉबी रॉलेंड जोन्स जो नीचे बैटिंग भी करते हैं, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, बट इनका मेन स्पेशलिटी क्या है कि इन्हें अपफ्रंट मूवमेंट मिलती है। तो डैन वॉलर एंड टॉबी रॉलेंड जोन्स इनके लिए आप वॉच आउट करिए कि अगर ये खेल रहे हैं स्टार्टिंग में इनको पहला पहला ओवर अगर मिल रहा है तो जल्दी से चेंज कर लेना। एंड वला वलीता जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है बट वापस खेलना अनलाइकली इन दिस स्क्वाड। हाँ, और अभी तक मार्टिन एंडरसन इज राइट आर्म मीडियम, तो भाई ऐसा अच्छा डराओ ठीक मत, तुम ऐसा अचानक से पूछ लोगे तो फ्यूज उड़ गया मेरा, साबुन स्लो हो गया। सो मार्टिन एंडरसन राइट आर्म पेस एंड सम बैटिंग देखते हैं। अब या हमने डिस्कस कर लिया तो मे बी आज कुछ कर ही लें। तो ये हो गई हमारे स्क्वाड एंड पिच डिस्कशन। अब चलते हैं बेस टीम की तरफ। बेस्ट। सो स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन से सीधा जहां पे हमने पिक किया जो क्रैकनेल को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे अच्छे परफॉर्मेंस। बट जॉन सिम्पसन भी ठीक ठाक चॉइस है क्योंकि अगर लग रहा है जैसे मैंने कहा अगर आपको वो इंडिकेशंस मिल रही है कि अप टॉप मूवमेंट है तो फिर क्रैकनेल थोड़ा स्ट्रगल करेंगे एंड जॉन सिम्पसन यहाँ डाउन दी ऑर्डर आके खेलने के लिए जाने जाते हैं एंड साथ साथ में ये आपको कीपिंग से भी पॉइंट देंगे क्योंकि यही कीपिंग करते हैं इनके लिए। एंड बैटिंग में हम गए हैं एस्केनाजी, विल जैक्स एंड जेसन रॉय, ऑल द बिग नेम्स, ऑल द इनफॉर्म नेम्स। बिल्कुल, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन भी है, आपको इवेंट्स को लेना है तो आप ले सकते हो। अगेन यू हैव टू गो विथ योर विजुलाइजेशन कि कौन, अगर आपको लग रहा है कि शुरू में विकेट गिरेंगे और ऑर्डर में आपको लग रहा है कि लॉरी इवेंट्स कुड गेट द टाइम इन द मिडिल ओवर्स टू बैट, तो वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं इन दैट रोल। तो कंडीशन के हिसाब से आपको पिक करना पड़ेगा। इवेंचुअली सब लोग अगर आप देखें तो सारी हैवी बना कर ही आएंगे टीम, सो प्लीज बी वेरी श्योर ऑन योर विजुलाइजेशन बिकॉज दैट कुड इवेंचुअली बी द डिफरेंस। यस तो ये रहा बैटिंग सेक्शन। ऑलराउंडर्स इज फुल ऑफ सारी, टॉम करन, शॉन एबिट, सुनील नारायण एंड सैम करन। एंड जो आखिरी पिक है यहाँ पे वो है रायन हिगन्स फ्रॉम द अदर साइड। जैसे मैंने कहा इनका रोल काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड वापस एज फिफ्थ और सिक्स बॉलर खेल रहे हैं तो थोड़े ओवर्स भी डाल ही देंगे। वाइल बॉलिंग में हम गए हैं लवली, दोनों मिडिल सेक्स चॉइसेस के साथ जस्ट टू बैलेंस इट आउट अ बिट इन टॉम हेल्प एंड टॉबी रोलन जोन्स एंड दे आर नॉट बैड चॉइसेस बाय एनी मीन्स क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट फेजेस में डालेंगे। बिल्कुल। और अगेन यहाँ पे ज़्यादा आपको रू मस्ती करने का है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ, जो सब एकदम स्ट्रेट पिक्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा स्ट्रेट गेम है। रोटेशन आपको, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर स्पिन को मदद नहीं है और आपको लगता है कि नरेन का यूसेज वैसा ना हो, तो वहाँ पे फिर आप रोटेट करके यू कैन टेक अ पीटर मलान और यू कुड टेक अ वॉरल इफ यू फील दैट ही विल प्ले एंड ही विल गेट द अर्ली मूवमेंट, तो वहाँ से आप डेफिनेटली रोटेट कर सकते हो ऑप्शंस। यस फेयर इनफ। तो ये रहे हमारी आज की टीम।
एंड अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। गो फॉर इट सर। पहले आप सर, पहले आप, पहले अरे नहीं नहीं सर, कर लो कर लो। देखो गेम ऐसा है ना कि मिडिल सेक्स से एक पिक मुश्किल है कि भाई आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, तो पीटर मलान को मैं बैक करूंगा, होपफुली मे नॉट बी एज कैप्टन वाइस कैप्टन, पर टीम में शायद ट्राई करूँ, अगर कर रहा हूँ तो शायद वाइस कैप्टन रखूंगा इफ इज चेजिंग, एंड मे बी वन ऑफ टॉबी डॉलन जोन्स और टॉम हेल्म, क्योंकि एंड में हमने देखा 100 में भी टॉम हेल्म जब अच्छा डालते हैं, यॉर्कर्स हिट करते हैं तो बहुत अच्छे विकल्प होते हैं, तो यू कुड गो इधर द टू बोलर्स ऑफ पीटर मलान इन दैट केस। फ्रॉम सरे बहुत ऑलराउंडर्स है यार, सैम टॉम यू कुड बैक एनी वन एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग, तो कॉमन तो सैम और विल जैक्स है ही, शॉन शॉन अबाउट अगर सही टाइम पे बॉलिंग करें तो आई बैक हिम टू टेक थ्री, तो थोड़ा वो डाइसी कॉल है, शायद किसी के लिए वो कॉमन ऑप्शन भी हो, पर मैं और Okay, I think we have lost him on the stream. So till he tunes back in, those are two of his Grand League picks. My Grand League picks in this game slightly more common. So, एक है लूक हॉलमैन। लूक हॉलमैन आई थिंक यहाँ पे बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करते हैं, वी एक्सपेक्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, एंड साथ साथ में स्पिन के साथ भी उनका रोल बन सकता है। एंड द अदर पिक स्लाइटली ट्रिकी, बट आई एम करेंटली ऑप्टिंग फॉर डैन मोरियाट्री इफ ही बोल सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि वो पावर प्ले में आगे डाल सकते हैं, एंड हमें ये भी पता है कि मिडिल सेक्स का जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक है, सो ही कैन प्ले अ गुड रोल। एंड सर वेलकम बैक। हाँ अजीब था, मैं मेरे को मैं दिख रहा था, आप नहीं दिख रहे थे, आपको आप दिख रहे थे, मैं नहीं दिख रहा था, ठीक है जो भी है। यस तो ये रहे हमारे आज के ग्रैंड लीग पिक्स, उसके अलावा जो फाइनल टीम है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे जरूर ट्यून इन करिएगा। एंड जस्ट फॉर फन टेल अस हाउ मेनी रन्स डू यू थिंक जेसन रॉय विल हिट टुनाइट, जल्दी से बता देना। एंड लाइक ऑलवेज रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, तो रिस्पॉन्सिबली खेलिएगा एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। Please back up the edition. Happy winnings.